अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजे शेख आज फिर हाजिर है नए टॉपिक के साथ। आज के मेरे टॉपिक का नाम है हेल्प अदर हेल्प योरसेल्फ, यानी अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो वो तो आप खुद अपनी मदद करेंगे। कुछ ना कुछ अच्छा करना है जैसे लोगों के लिए, जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। यानी कुछ लोगों का ऐसे लोग चुनना है अच्छाई करने के लिए जो बदले में आपको कुछ दे ना सके और उसका बदला ना उतार सके। ऐसे नहीं है कि कोई दोस्त आया है और बोल रहा है कि कोई भाई मुझे बहुत परेशानी चल रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कंप्यूटर लेना है, मेरे पास 44,000 है, तो मुझको 2,000 दे दे तो मैं जल्दी से जाके कंप्यूटर ले लूँ। और ये आज एक वीडियो देखा था जिसमें मुझे बताया है कि मुझे लोगों को अच्छा करेंगे तो मेरे को भी पलट के अच्छा ही मिलेगा। वो अच्छाई करने के लिए फिर आपके ये सोच में पड़ जाते हैं कि चलो मैं आज इसे 2,000 रुपए दे देता हूँ फिर मेरे साथ भी बहुत अच्छा होगा। ये अच्छाई नहीं होती, इसका मतलब अच्छाई नहीं होती। आपको उसकी हेल्प करना है जो आपको पलटा कर आपको मदद ना कर सके। ऐसे लोगों की आपको मदद करना है। अच्छी बातें आपके अंदर गई तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। यानी जैसे ही आप कोई भी वीडियो वगैरह देखते हो तो उसके ऊपर डायरेक्ट आप लोग उसको अप्लाई करने लगते हो। तो यानी अच्छी वीडियो देखते हैं तो वो चीज़ अच्छी ही अपने अंदर अप्लाई करोगे और बुरी अगर वीडियो देखेंगे तो बुरी ही अप्लाई करेंगे। तो उसे सोच समझ कर अच्छा है, यानी हमने देखा जल्दी जल्दी उसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमको पहले उसका नजरिया बनाना है कि हमें कैसे लोगों पर अप्लाई करना है। ऐसे ही नहीं कि जैसे कि कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई झोपड़ी दिख रही है तो वहाँ जाकर उन लोगों की मदद कर दो। कोई भूखा दिखाई दिया रास्ते में अगर तो उसको खाना खिला दे। कोई रास्ते में डॉग वगैरह भूखा दिखाई दिया तो उसे रोटी खिला दे। रास्ते से कोई भी ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसकी हेल्प कर दे। ऐसे नहीं सोचे कि मैं अमीर हूँ, अमीर लोगों की ही हेल्प करूँगा, फिर कल जब मुझे ज़रूरत पड़े तो वो भी मेरी हेल्प करें। नहीं, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करनी है। घटिया हरकत नहीं करना कि कोई लिफ्ट में जा रहा है, जैसे कि कोई लिफ्ट में जा रहा है उसे देखा फिर भी लिफ्ट स्टार्ट कर दी, ये किसी पर जान बूझ कर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसे नहीं करना है। यहाँ भी जहाँ भी देखो छोटी छोटी बातों में सब लोगों की मदद करो। एक या दो मिनट रुकने से क्या नुकसान है, उलट आप उनके लिए रुके तो वो लोग आपको अच्छे से एक स्माइल देकर जाते हैं। दिल को इस बात से सुकून मिलता है, जो इंसान अंदर से दिल से अच्छा होता है उससे लोग दिल से जुड़ जाते हैं, दिमाग से नहीं। जो दिमाग से बड़ा शातिर होता है और दिल से बड़ा घिनौना होता है उससे लोग जुड़ते हैं। क्योंकि क्यों जुड़ते हैं? अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए। अपना काम निकालेंगे और वो उसके रास्ते, हम अपने रास्ते, उसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेल्फिश इंसान है और सेल्फिश इंसान अपने मकसद के लिए कितनी भी हद तक गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की मदद की नहीं की तो दूसरा कोई इसकी मदद नहीं करेगा। यानी आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं की तो दूसरा उसकी कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी की हेल्प करने से अपना फ़ायदा हो रहा है ये मत सोचो। बगैर फायदे की किसी की भी मदद करो। जब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएंगी, जब भी आप किसी की हेल्प करेंगे तो दिल से करेंगे। पहले आप ये तजुर्बा अपने घर में अपना के देखें, अपने फैमिली के बीच में करके देखें, फिर आप इसको सोसाइटी में करें, फिर उसको आप पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करें। प्यार का मतलब क्या है? आपके दिल में सामने वाले के लिए भी जगह प्यार पैदा हो, अपनी फैमिली पर, दुनिया और पूरी दुनिया, यूनिवर्स के लिए।